हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जर्नल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जर्नल चैप्टर, जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर्स को हम पहले 4 वीडियोस में दिखा चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। हमने जर्नल एंट्रीज़ करी हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, हमने जर्नल एंट्रीज़ करी गोल्डन अप्रोच, जिसे आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, उनके हिसाब से करी। इससे पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज़ करी जीएसटी के साथ में। अभी ये जर्नल एंट्रीज वाला कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस जर्नल एंट्री के चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस है अकाउंट्स का। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि अगर किसी इमारत की नींव मजबूत है तो वो इमारत बहुत सॉलिड होती है। तो आपको भी ये अकाउंट्स की जो इमारत है ना, इसकी नींव को बहुत सॉलिड करना है, और वो सॉलिड होगा इन 2, 4, 3 चैप्टर्स के साथ, जिसमें जर्नल एंट्री सबसे टॉप पर है। आपने अगर ये अपना बेस सॉलिड कर लिया, फिर आपका समझो 50% आपने लड़ाई जीत ली आपने अकाउंट्स की। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा लंबा करने वाला हूँ। हम जनरल एंट्रीज़ के अभी 2, 3 वीडियोस और देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए जनरल एंट्रीज़ के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां वीडियो जनरल एंट्रीज़ के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जनरल एंट्रीज़ सीखने से पहले पहले हम ये बताएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, और कौन देता है, किसको देता है, और कब देता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ट्रेड डिस्काउंट, स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट सेलर देता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज गुड्स टू द परचेजर, इफ द परचेजर बायज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। आपने अक्सर देखा होगा जब हम होलसेल मार्केट में जाते हैं, तो होलसेलर क्या कहता है कि आप अगर इतनी क्वांटिटी लोगे तो मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, अगर आप क्वांटिटीज बढ़ा दोगे तो मैं 10% दे दूंगा, और बढ़ा दोगे तो 15 दे दूंगा, 20 भी दे दूंगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ती हैं तो वो थोड़ा डिस्काउंट बढ़ाता रहता है, अप टू 20% तक वो डिस्काउंट दे देता है। तो क्या मतलब हुआ ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ परचेजेस, एंड कंडीशन क्या है? परचेजेस इन गुड क्वांटिटीज, बल्क क्वांटिटीज, इन लार्ज क्वांटिटीज। इफ द परचेजर बायज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज देन सेलर गिव्स दिस डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की क्या हम एंट्री करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट की यूजली कोई एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नीदर इन द बुक्स ऑफ सेलर नॉर इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ना तो परचेजर अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा, ना सेलर। क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए उसने 1000 रुपीज़ का गुड्स लिया, 1000 सेलिंग प्राइस थी, सेलर ने एट द टाइम ऑफ सेलिंग 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 800 रुपीज़ का हुआ। अभी तो ट्रांजेक्शन हुई नहीं ना, ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंट्री कितने की होगी? 800 रुपीज़ की होगी, 20% डिस्काउंट का कहीं जिक्र नहीं होगा। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स हुई 800 की हुई, 800 से ही सेलर अपनी बुक्स में दिखाएगा, और जो परचेजर है वो भी अपनी परचेसिंग बुक्स में दिखाएगा। तो क्या हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे? हम इसको एक एग्जांपल, यही एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स जो है वो सेलर है और वाई परचेजर है, एक्स वाई को गुड्स देता है, फॉर एग्जांपल सेल प्राइस है 1000 रुपीज़, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितने का? तो सेलिंग प्राइस क्या हुई? ₹800, 20% 200 रुपीज़ माइनस कर दिए। और परचेजर के लिए परचेज प्राइस क्या हुई? उसके लिए भी 800 रुपीज़ हुई। तो दोनों अपनी एंट्रीज 800 रुपीज़ से ही करेंगे। तो क्या जने एंट्रीज बनाएंगे ये दोनों अपने अपने बुक्स में? देखिए, परचेजर क्या बनाएगा? मैंने आपके लिए ये रूल लिख के रख दिया यहाँ पे। एसेट्स अगर इंक्रीज है तो डेबिट होगा, डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस उसके साथ ही लिखा है। ये दोनों एक से होते हैं और ये तीनों एक से होते हैं।
लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज है तो डेबिट है, इंक्रीज है तो क्रेडिट है। इसी तरह कैपिटल और रिवेन्यू अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट है, डिक्रीज है तो डेबिट है। तो ये रूल आपको फॉर रेफरेंस यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, इस हिसाब से आप जनरल एंट्रीज करते चलिए। फॉर अब देखिए, परचेजर ने गुड्स परचेज किया है 800 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस। अब क्या है, नॉर्मल एंट्रीज क्या करेंगे, परचेजेस हमारा एक्सपेंस ले लो या आप एसेट्स ले लो, दोनों ही केस में अगर परचेजेस है तो हमारा डेबिट डेबिट हम करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने क्रेडिट परचेज किया है फॉर एग्जांपल, तो एक्स, ये एक्स और ये वाई, टू एक्स अकाउंट कितने रुपए से बनेगी, एक्स को कितना रुपया देना है, 800 रुपया। अब स्टूडेंट्स, मैं इसमें जीएसटी और आईजीएसटी का भी कंसेप्ट ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको जीएसटी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। नॉर्मल एंट्रीज तो ये बन जाएगी, 800 रुपये आपने यहाँ लिखे 800। अब इसमें सीजीएसटी और जीएसटी भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए 6-6% है, 6% आपने इसके 800 रुपीज़ के ऊपर लगा। तो मैंने पहले भी बताया है, परचेजेस हो या सेल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके एकदम नीचे टिका देना है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में टिका देना है परचेजेस के साथ में, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आउट आईजीएसटी, एसजीएसटी, और सेल्स के साथ में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ परचेजेस के साथ में क्या लिखेंगे हम, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये सब डेबिट होंगे, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। परचेजेस थे हमारे 800 के, 6% अगर हम लेके चल रहे हैं तो 48 रुपीज़ और 48 रुपीज़। तो अब जो है 896, जो बिलिंग है एक्स की, जो बिलिंग है, इनवॉइस इनवॉइसिंग है, वो 896 रुपीज़ की है, जिसके अंदर 48 48, ये भी तो एक तरह से एक्सपेंस ही है ना, एट दिस प्रेजेंट तो एक्सपेंस है, आप सेट ऑफ तो बाद में करोगे। तो देने कितने हैं, 896 देने हैं एक्स को, क्योंकि अभी क्रेडिट सेल है। हो सकता है क्रेडिट सेल ये 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 10 दिन की हो। अब जनरल एंट्रीज ले लेते हैं। सेलर क्या करेगा, मतलब मीन्स एक्स क्या करेगा अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपीज़ था, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सेलिंग प्राइस उसकी 800 रुपीज़ है, तो वो अपने अकाउंट में 800 रुपीज़ से ही एंट्री करेगा, क्योंकि ये इनिशियल एंट्री यही है, क्योंकि क्रेडिट सेल हुई है तो वो कैश तो उसके पास आया नहीं है। अपने रूल को फॉलो करते हुए हम, वो क्या करेगा, सिंपली वाई अकाउंट को डेबिट कर देगा, ऐसे ही करेगा। टू किसको करेगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट, ये है सीजीएसटी, सीजीएसटी 6% है दोनों, 800 रुपीज़ की सेल है, 48 रुपीज़ का सीजीएसटी और 48 रुपीज़ का एसजीएसटी। तो कितने की हो गया डेबिट एंट्री, 896 रुपीज़ की इनवॉइसिंग है वाई के लिए। तो आपने अभी तक क्या समझा, ट्रेड डिस्काउंट, नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती है, और ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इफ द गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इन बल्क क्वांटिटीज। और ये एक तरह से होलसेलर एक रिटेलर को देता है, जो आगे गुड्स अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके कॉन्ट्रेरी कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो हम अभी देखते हैं। कैश डिस्काउंट, इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे, इसी में ही हम समझेंगे कि कैश डिस्काउंट क्या है। अभी तक एक्स ने वाई को सेल किया है 1000 रुपीज़ का गुड्स, जो 800 रुपीज़ में उसने दिया है विद जीएसटी, 896 हो गया है। अब क्योंकि क्रेडिट सेल हुई है, हो सकता है इनका एडजस्टमेंट रही हो कि 1 महीने बाद आप ये पेमेंट दे दोगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद दे दोगे, लेकिन इन केस अगर सेलर बायर को ये कहता है कि आप अगर मुझे जल्दी पेमेंट दे दोगे, 1 महीने की जगह आप मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे, तो मैं आपको 5% और डिस्काउंट दूंगा,
ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने 20% दे ही दिया, 5% और दे दूंगा, तो तब क्या होगा? अब इनवाइसिंग तो हो चुकी है, अब 5% डिस्काउंट, यहाँ इस केस में इनवाइसिंग पे 5% होता है, जो बिलिंग अमाउंट है, बिलिंग अमाउंट तो 896 है, 896 पे 5% डिस्काउंट होगा। तो कैश डिस्काउंट से हमने क्या मतलब निकाला, कैश डिस्काउंट इज ऑल्सो अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर इन ऑर्डर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट, जल्द से जल्द वो पैसा दे दे तो और दे देंगे 2% 3%, यूजुअली ये 5% से ज़्यादा नहीं होता है। तो 5% हम मान के चल रहे हैं कि इसमें और दे दिया डिस्काउंट, तो अब इसको 5% अगर वो कहता ठीक है मुझे 5% और डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं पेमेंट जल्दी कर देता हूँ आपको, 10 दिन के अंदर दे दूंगा पेमेंट। अब वाई ने एक्स को तो क्रेडिट किया हुआ था, अब पेमेंट तो उसको 896 के हिसाब से एडजस्ट करना है ना, तो वो क्या एंट्री बनाएगा इसकी? सबसे पहले देखिए अपने एक्स अकाउंट को तो वो डेबिट करेगा ही करेगा ना, उसके जो क्रेडिटर था वो खत्म हो रहा है, क्रेडिट आप रूल के हिसाब से चलिए, अगर क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो यहाँ हमारा क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, कितने से हो रहा है, 896 से था, अब 5% इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो पेमेंट कितने की होगी एक्चुअली, टू कैश और टू कैश, अब कितना 5% इस पर मान लीजिए 45 रुपीज़, 45 रुपीज़, तो टू कैश अकाउंट हो गया हमारा 851, लेकिन अकाउंट तो उसका 896 से खड़ा है, तो हम और क्रेडिट किसको करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से करेंगे, 45 रुपीज से। इस केस में डिस्काउंट रिसीव्ड जो है हमारी इनकम है, हमें 896 देने थे, हमारा 45 हमने इनकम हो गई हमारी, तो इनकम हुई है तो हम रूल के हिसाब से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे अब हाँ, यहाँ जीएसटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि जीएसटी की एंट्री हमने यहाँ कर चुके हैं, इस समय रोल था सिर्फ से पेमेंट का, अगर पूरी पेमेंट होती तो 896 डेबिट 896 क्रेडिट, लेकिन अब एक्स वाई को डिस्काउंट मिला है 45 रुपीज़ का, एक्स से डिस्काउंट मिला है तो उसका अकाउंट 896 से सेटल कर दिया, 851 कैश दे दिया और 45 डिस्काउंट मिल गया। अब आ जाइए यही एंट्री एक्स क्या करेगा अपने अकाउंट में, एक्स ने वाई को डेबिट किया हुआ है तो सबसे पहले तो वो उसको टू वाई अकाउंट को तो क्रेडिट करेगा, कितने से करेगा, 896 से। अब उसको कैश कितना मिला है, कैश मिला है तो हम डेबिट करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो उसको 851 ही मिला है और उसने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे इस केस में, डिस्काउंट अलाउड इज 45 रुपीज़, यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा क्योंकि ये एक खर्चा हो गया, पैसे तो उसको 896 मिलने थे, उसने कहा ठीक है पैसे जल्दी दे रहे हो तो आप हमें 45 रुपीज़ कम दे दो, तो 45 रुपीज़ ये 5% डिस्काउंट के हिसाब से है, अकाउंट है, डिस्काउंट इज 5%, फॉर एग्जाम्पल 5% था, 5% ऑन इनवॉइसिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस पे है तो आपने टोटल अमाउंट पे ही करना है, इस अमाउंट के ऊपर नहीं देना। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि कैश डिस्काउंट इज ऑन परचेज प्राइस 800, अगर उस पे ऐसा लिखा हुआ है फिर तो हमने 800 पे 5% 40 रुपीज़ देना है, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट तब आपने 896 पर ही 5% देना है, मीन्स इनवॉइसिंग अमाउंट पर ही 5% देना है, या जितना भी रेट ऑफ डिस्काउंट है वो देना है, ठीक है, ये सब क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ, इसको मैं भी रब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं कि सेलर एक्स सेलर है, वाई परचेजर है, ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% 1000 रुपीज़ के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस एक्स के लिए 800 रुपीज़ हो गई, परचेजिंग प्राइस वाई के लिए 800 रुपीज़ हो गई। अब सेलर जो है वो ये परचेजर को कहता है कि आप क्रेडिट मत लो मेरे से, आप मुझे आज ही पैसे दे जाओ, इमीडिएट प्रॉम्प्ट पेमेंट, अभी दो पैसे, मैं आपको 5% देता हूँ कैश डिस्काउंट हाथ के हाथ। तो वो कहता ठीक है मुझे 5% और मुझे कम मिल रहा है पैसा,
तो वो 5% पे एग्री कर जाता है। तो कैश डिस्काउंट मान लीजिए कितना है, 5%। और कैश पेमेंट हो गई, नो क्रेडिट, तब परचेजर क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट तो डेबिट हम करेंगे, क्लियर है, ये तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके एकदम नीचे क्या लिखना है हमने, इनपुट CGST और इनपुट SGST। मैं हर बार आपको इनपुट और SGST इसका दूंगा आपको केस, क्योंकि ये आपको मुझे पक्का करवाना है, अदरवाइज तो जनरल एंट्री बहुत आसान है। थोड़ा सा इसके साथ में आप सीखोगे तो और अच्छे से आपका BS कंप्लीट होगा। और SGST कितना, 6% था हमारा ये दोनों, तो 6% मीन्स 48 रुपीज़ और 48 रुपीज़, तो टोटल एक तरह से ये कितना था, 896 था। अब कैश गया सीधा, क्रेडिट सेल तो है ही नहीं, इमीडिएट कैश सेल हुई है, तो कैश अब 5% और चला गया। कैश कितना गया हमारा, 896 पे 5% हमने निकाला था, 45 रुपीज़, 851, 851। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 45 रुपीज़। तो 896, 896 ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये एंट्री बनेगी, सिंपल सी एक एंट्री बनेगी, इन केस कैश पेमेंट हो रहा है, नो क्रेडिट सेल। अब आ जाइए सेलर, सेलर को भी कैश मिल रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा, उसको कैश मिला तो उसने कैश एंट्री कर दिया, कैश एंट्री करेगा 851 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउड इसके केस में, डिस्काउंट वहाँ क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ है डिस्काउंट अलाउड 45 रुपीज़। टू सेल्स अकाउंट, और फिर टू ये नहीं भूलना, आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, 848 और 48 रुपीज़। और फिर नरेशन तो आपने लिखनी ही है, बीइंग द गुड सोल्ड फॉर दिस 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 पूरा। और यहाँ पे भी ये लिखना नहीं भूलना है, मैं नहीं लिखूँगा ये हर बार। एक और लेके चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक बुक में हट के थोड़ा सा मिला है, तो मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल आपको कराता हूँ TS ग्रेवाल का, तो अभी मैं इसको रैप करता हूँ। वेलकम अगेन, मैं आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ, TS ग्रेवाल से लिया है। TS ग्रेवाल में और भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमिलर ही हैं जैसे हमने पहले कर चुके हैं, सिर्फ से फिगर्स बदल के, आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो आप उन्होंने फिगर्स बदल के आपको दिए हैं। तो ये इलस्ट्रेशन मुझे थोड़ी अलग लगी थी, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेके आया हूँ। क्या है, अनिल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 अगेंस्ट कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस IGST 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। अब इसमें सारी ही चीज़ें हैं, देखिए, अनिल ने गुड्स सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट थी ₹40,000, कैश पे सोल्ड किया, कैश लिया उसके अगेंस्ट में, और 25% प्रॉफिट ऐड कर दिया ऑन कॉस्ट, इसके ऊपर IGST भी लगा है, और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, और कैश डिस्काउंट भी दिया है, क्योंकि कैश प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रही है, इमीडिएट पेमेंट हो रही है, तो कैश डिस्काउंट भी दिया है। पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब देखिए, थोड़ी सी हम कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, डेट इज 40,000, करेक्ट। अनिल ने क्या किया है, इस पे प्रॉफिट जोड़ दिया है, प्लस 25% प्रॉफिट, 25% है ₹10,000। तो एक्चुअल सेल प्राइस कितने की हो गई, 50,000, ठीक है। अब क्या किया है अनिल ने, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है,
10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट तो हम इसके ऊपर देंगे अब, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कितना है, 10% है, तो हमारा 10% हो गया 5000, तो 45000। 45000 के ऊपर अब क्या लगा है, 10% IGST, CGST और SGST नहीं है, 10% IGST है, तो हम सीधा IGST 10% लगा देंगे, प्लस IGST 10% यानी 4500। अब देखिए कितना हो गया, 49500। अब कैश पेमेंट अगर हो रही है तो उस पे 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है मिलने। अब 2% किस पे देंगे हम डिस्काउंट, इस वाले अमाउंट के ऊपर, यहाँ पे लिख लीजिए कैश डिस्काउंट माइनस में 2%, ये आएगा 990। अनिल को कितना कैश मिलेगा, 48,510 रुपीज़। दोबारा से समझें इसको, कॉस्ट प्राइस थी 40,000 रुपीज़, 25% अनिल ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, 10,000 रुपीज़, 50,000 आ गया, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 50,000 का 10%, 5,000, 45,000। अब 45,000 की एक्चुअल इनवॉइस प्राइस आई है, इसके ऊपर 10% IGST लगा है, 10% मीन्स 4,500। अब टोटल इनवॉइस प्राइस हो गई, ये टोटल बिलिंग हुई है 49,500 की, 49,500 पे 2% कैश डिस्काउंट दिया है तो 990 रुपीज़। तो टोटल सेल प्राइस कितनी रही, 48,510 रुपीज़ इंक्लूडिंग IGST। अब इसको जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे सेलर और परचेजर के लिए, चलिए पहले परचेजर लेना है तो परचेजर ले लीजिए, परचेजर, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू कैश दिया है। परचेजेस कितने का था एक्चुअल में, 45,000 का था ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर, तो ये अपनी एंट्री यहाँ परचेजेस में करेगा 45,000 से। IGST इस पे कितना लगा, 4,500। इन दोनों का टोटल 49,500। अब आ जाइए कैश, और एक कैश अभी इतना 49,500 तो दिया नहीं है, कैश हमने निकाल लिया है 48,510, तो कैश की एंट्री है 48,510। उसमें दूसरी एंट्री क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 990 से। सिर्फ एक एंट्री में सब कुछ क्लियर हो गया, इतने की परचेजेस थी, ये IGST लगा, कैश देना पड़ा फाइनली 48,510, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 990। अब सेलर, सेलर को क्या कैश मिला, अब तो सेलर के लिए आसान है एंट्री करना, कैश कितना मिला है उसे, 48,510, डिस्काउंट अलाउड 990, ये डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, यहाँ ये इनकम है हमने क्रेडिट किया है टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने का था, 45,000, एक्चुअल में सेलिंग तो इतने की थी, और 4,500 IGST था, पर आप नरेशन लिख देंगे बीइंग द अमाउंट सोल्ड टू फलाना फलाना कैश, और यहाँ पे भी आ जाएगी बीइंग द अमाउंट बीइंग द गुड्स परचेज्ड।
तो ये एक अलग से ट्रांजैक्शन थी। इसके अलावा इससे मुश्किल ट्रांजैक्शंस आपकी बुक में भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। अब हमारा यहाँ पे ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट फिनिश होता है। कल हम एक और वीडियो को लेके आएंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तब तक आप बने रहिए, इसको प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को, आपको अच्छा लगे। और हाँ, कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।